प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में बड़ी धूमधाम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों की संख्या में नमाजियों ने पहुंचकर नमाज अदा की। इस मौके पर बधाई देने वालों की एक लंबी कतार दिखाई पड़ी, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत कई बड़े दिग्गज और कई अलग अलग धर्म के लोग ईदगाह में पहुंचकर ईद की मुबारकबाद पेश की। भैया ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। वैसे भी लखनऊ की परंपरा है कि हम सब भाई बहन मिलकर के ईद को मनाते हैं। मौलाना फैजी रही साहब को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने पूरे मुल्क को, पूरे उत्तर प्रदेश को पैगाम दिया कि हम सब भाईचारा को कायम रखते हुए ईद का त्यौहार सौहार्द के साथ मनाएं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने साबित वजीर आला आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हर ईद पर हमें आपके बीच में आने का मौका देते हैं, जहाँ हम ईद का त्यौहार मना रहे हैं, जहाँ हम और आप लोग सब खुशी के साथ एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, वहीं हमारे भारत की जो पहचान है भाईचारे की, हमारे देश की जो पहचान है कि हम सब मिलकर के रहते हैं। इस ईद के त्यौहार के दिन जहाँ हम खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए और इस भाईचारे की कामना करते हैं, वहीं ये भी संकल्प है कि जिस तरीके से हम सब लोग मिलकर के रहेंगे, आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरीके से गले मिलकर के और भाईचारा को बढ़ाने का काम करें। एक बार फिर आप सबको पब्लिक को समझिए, आज ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सभी को ईद की मुबारकबाद और आज ईद के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई देता हूं और हम सब मिलजुल के हंसी खुशी अपने त्यौहार मनाएं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।